राजधानी पटना के बामेती सभागार में एक दिवसीय मत्स्य जलकर प्रबंधन नियमावली 2019 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि एवं पशु मत्स्य संसाधन मंत्री प्रेम कुमार ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य में मछुआरों की बड़ी आबादी है, इसलिए इस समाज को आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने मत्स्य विकास परियोजना के अंतर्गत मछुआरों को ध्यान में रखकर खास अनुदान पारित की है। अति पिछड़ी जाति के लाभुकों को 90% अनुदान पर मोपेड बाइक, बॉक्स थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर भी दी जाएगी। बिहार राज्य कृषि प्रधान राज्य हमारा है और 69% लोग मुख्य आजीविका कृषि है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम भूमिका जाता है, रीढ़ कहा जाता है और हमारे राज्य में कृषि विभाग के कृषि समन्वयक है जाकर और उनको हम लोग चाह रहे थे कि कृषि समन्वयक जो मतलब बहाल हो गए हैं, पहले संविदा पर थे, स्थायी नियुक्ति हो गई जाकर के है। तो कृषि के क्षेत्र में जो राज्य सरकार की योजनाएं जाकर के उस संबंध में पूरी जानकारी देने को लेकर और सरकार के जो नियम कानून है जाकर के और कई चुनौतियां हमारे सामने हैं। अब खेतों में पराली जलाया जा रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही जाकर के, पानी का संकट खड़ा हो गया है।